सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो आज जो है हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले ही हमने पार्ट 3 तक 3 वीडियोस बना चुके हैं, उन वीडियोस को आप पहले जाके देखें तो आपको ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका कोई अदर नेम आपको बताना है क्या? नाइट्रिक एसिड का कोई दूसरा नाम आपको पता है? अगर पता है तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं इसका अदर नेम आपको जरूर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, एक्जोथर्मिक इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसमें हम दो चीज़ें यहाँ पे जानेंगे कि एक्जोथर्मिक इफेक्ट, पहले एक्जोथर्मिक रिएक्शन आपने सुना होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जो मतलब बाहर, थर्मिक यानी रिलेटेड टू हीट, जिस रिएक्शन में एनर्जी बाहर आता है, हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो एक्जोथर्मिक इफेक्ट भी कुछ वैसा ही होगा कि कहीं पे ऐसा इफेक्ट जहाँ पे हीट एनर्जी क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, बाहर आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक इफेक्ट बोलेंगे। लाइक द फर्स्ट वन इज डिल्यूशन ऑफ एसिड। जब हम एसिड को डिल्यूट करते हैं, इट इज एक्जोथर्मिक इफेक्ट। आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक्जोथर्मिक इफेक्ट होता है, कभी किया है तो जरूर देखा होगा, नहीं तो अभी हम लोग जानेंगे इसके बारे में। जैसे एसिड को जब हम डिल्यूट करेंगे तो क्या होता है, हम लोग क्या करने वाले हैं? मान लीजिए एक बीकर में एसिड है, ठीक है, कंसेंट्रेटेड एसिड है। कंसेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? एसिड इन विच, हाँ, जिसमें कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है, अमाउंट ऑफ किससे, एसिड से कम होता है, उस एसिड को हम क्या बोलते हैं? कंसेंट्रेटेड एसिड है। मान लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया हुआ है एक बीकर में, कंसेंट्रेटेड एसिड है ये, इसको हमको डिल्यूट करना, वी हैव टू डिल्यूट इट, ठीक है, आपको इसको डिल्यूट करना। तो आप इसको डिल्यूट कैसे कीजिएगा? तो क्या हम क्या कहते हैं, इसमें डायरेक्टली वाटर डाल देंगे, है ना? हमको क्या करना है, हमको तो सिर्फ वाटर का अमाउंट बढ़ाना है, तभी ना डिल्यूट होगा। हम क्या करेंगे, हम पानी डाल देंगे तो डिल्यूट हो जाएगा, होगा ऐसे? नहीं, हम इस तरह से डिल्यूशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हम वाटर डाल रहे हैं एसिड में तो इट इज अ वेरी क्या कहते हैं, पावरफुल एक्जोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एक्जोथर्मिक प्रोसेस होने वाला है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होने वाला है हम कह सकते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, जब हम उसमें वाटर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो बाहर आएगा, और वो हीट एनर्जी इतना ज़्यादा बाहर आएगा जो हमारा जो आसपास का उस बॉडी पार्ट प्रेजेंट होगा इस बीकर के, उसको हार्म कर सकता है, साथ में ये बीकर को भी क्या कर सकता है, क्रैक कर सकता है, इतना ज़्यादा हीट एनर्जी वहाँ पे इवॉल्व होता है जब हम एसिड में वाटर को डाल देते हैं। पर तो डिल्यूट करें कैसे? डिल्यूट करने का हम अल्टरनेटिव मेथड लेते हैं, मतलब हम वाटर ले लेते हैं एक बीकर में, हमको क्या लेना है, वाटर लेना है, और बिल्कुल हल्का हल्का, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप कह सकते हैं कि हमको एसिड डालना है, थोड़ा सा एसिड डाले, फिर हम उसको क्या करते हैं, हम स्टायर करते हैं, उसको स्टायर करते हैं। स्टायर करने से क्या होगा कि वो जो एसिड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर में, क्योंकि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, एसिड का अमाउंट थोड़ा सा है, तो वहाँ पे जो हीट एनर्जी इवॉल्व होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वी प्रिफर दिस मैथड ऑफ डिल्यूशन। हम लोग जब भी एसिड को डिल्यूट करेंगे तो हम लोग वाटर में एसिड डालेंगे, ना कि एसिड में वाटर। एसिड में वाटर डालेंगे तो क्या होगा, एसिड में वाटर डालेंगे तो वो हमारे स्किन को हार्म कर सकता है, साथ में जो बीकर है वो क्रैक हो सकता है। लेकिन जब हम वाटर में एसिड डाल के और हल्का हल्का एसिड डाल के स्टायर करेंगे तो वो एसिड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हीट एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया डिल्यूशन ऑफ एसिड के बारे में। अब अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बात करें तो इट इज आल्सो अ एक्जोथर्मिक प्रोसेस, ये भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन ही है, यहाँ पे हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें भी जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। When acid reacts with base to form salt and water, we call it neutralization reaction. Acid base react करते हैं, एक दूसरे को neutralize करते हैं, neutralize करने से क्या होता है, salt और water form होता है। एक example लेते हैं, जैसे NaOH एक base है, it is reacting with hydrochloric acid, तो क्या होगा, होगा क्या, यहाँ पे double displacement reaction होगा। Na बोलेगा OH को, I am bored with you, मैं बोर हो गया हूँ तुम्हारे साथ, मुझे एक नया पार्टनर चाहिए।
एंड इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म अ कंपाउंड विद सीएल. सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्लोरीन के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेगा NaCl. ये फॉर्म हो गया. इसके बाद अगर देखें हम तो OH और H बच जाएगा, तो ये दोनों भी आपस में कंपाउंड फॉर्म कर लेगा वाटर, है ना. तो इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. अब अगर हम इसको बात करें, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम परफॉर्म कैसे करें, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक इफेक्ट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो अगर आपने एसिड लिया पूरा बेस डाल दिया, या बेस लिया पूरा एसिड डाल दिया, तो क्या होगा, कुछ ऐसा ही प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, हो सकता है बीकर क्रैक कर जाए. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेस लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, ये एक कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने एक बेस लिया हुआ है, यही बेस ले लेते हैं NaOH, हमने बेस लिया हुआ है, ठीक है. तो हमको पता करने के लिए कि यहाँ पे जो सॉल्ट है वो फॉर्म हो रहा है कि नहीं, सॉल्ट फॉर्म हो गया पूरी तरह से NaOH न्यूट्रलाइज हुआ कि नहीं, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें फेनोप्थेलिन डालेंगे, है ना. फेनोप्थेलिन जब हम इसमें 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप आप फेनोप्थेलिन का डाल दीजिए, तो उससे क्या होगा, ये जब आप फेनोप्थेलिन इसमें पुट कर दीजिएगा तो इट विल चेंज इनटू पिंक. हमने पढ़ा है कि फेनोप्थेलिन जो है वो एक कलरलेस सॉल्यूशन है, और जैसे ही हम उसको बेस में डालते हैं या बेस को उसमें डालते हैं तो क्या होता है, वो पिंक कलर शो करता है, मतलब वो प्रेजेंस ऑफ बेस को डिटेक्ट करते हैं इसकी मदद से. अब ये पिंक कलर का हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे जो यहाँ पे कर रहे थे, हल्का हल्का एसिड डालेंगे, ठीक है. वी विल पुट ड्रॉप बाई ड्रॉप, जैसे मान लीजिए HCl डाल रहे हैं तो उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और कॉनिकल फ्लास्क को सेक करेंगे ऐसे, ठीक है. फिर डालेंगे, फिर करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक ये पिंक कलर जो है वो फेड ना हो जाए, ठीक है. पिंक कलर फेड ना हो जाए, पिंक से ये किसमें ना कन्वर्ट हो जाए, कलरलेस में, ठीक है. तब तक हमको करना है जब तक ये पिंक कलर किसमें ना कन्वर्ट हो जाए, कलरलेस में. और जैसे ही कलरलेस में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका पूरा बेस जो है NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट, मतलब सारे NaOH जितना भी उसमें बेस प्रेजेंट था वो सारा रिएक्ट अब कर चुका है, और उसने क्या, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर लिया है, इससे आपको पता लगेगा. तो यहां पे हमने जाना कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या डिल्यूशन ऑफ एसिड. हमने ये क्यों जानना जरूरी इसलिए था क्योंकि दीज आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं. एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण अगर आप इसको सही से परफॉर्म नहीं कीजिएगा तो इट कैन हर्ट यू, ठीक है. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट्स इनटू आयंस. इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका डिसोसिएशन. दे गेट डिसोसिएटेड इनटू आयंस. कब डिसोसिएट होते हैं, व्हेन वी डिजॉल्व इट इनटू वाटर. जब हम उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं. सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड. सॉल्ट क्या है, आयोनिक कंपाउंड है. होता है आयोनिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड होता है विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आयंस. आयंस क्या होते हैं, आयंस ऐसे क्या कहते हैं, एटम्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, एनी चार्ज होता है. और ये चार्ज क्यों आता है, ड्यू टू लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. लूजिंग या गेनिंग से कुछ जो चार्ज आता है एटम पे, ठीक है, जिस एटम पे कोई चार्ज आ जाए ड्यू टू द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसी एटम को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं. और उन्हीं आयंस से जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं, जैसे हमारा अगर हम NaCl का बात करें तो NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड. कैसे फॉर्म हुआ है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को प्रोवाइड किया. क्लोरीन का जो है देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. सोडियम का जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 281 होता है, इसका अगर देखें तो ये 287 होता है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास 28 है. ये अगर एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो
तो 2-8 होने के कारण ऑक्टेट रूल को पूरा कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, जिसके कारण जो है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए Na पॉजिटिव पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को हम एनायन बोलते हैं। तो क्या होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इज अदर, इसलिए Na जो है Cl को अट्रैक्ट करेगा, Na पॉजिटिव विल अट्रैक्ट Cl नेगेटिव एंड दिस विल फॉर्म अ कंपाउंड NaCl। ऐसे ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। ऑल सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड, सॉल्ट्स क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं तो क्या होगा, यस दे विल डिसोसिएट इनटू आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। वाटर में किसी भी आयोनिक कंपाउंड को जब हम डिजॉल्व करेंगे, अगर वो डिजॉल्व हो जाता है तो वो क्या होगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में। जैसे जैसे NaCl का ही बात करें तो NaCl विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। NH4Cl का मान लीजिए, अमोनियम क्लोराइड का अगर हम बात करें, अमोनियम क्लोराइड विल डिसोसिएट इनटू NH4 प्लस एंड Cl माइनस। और कोई देख लेते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 विल डिसोसिएट इनटू K प्लस एंड CO3 2 माइनस। लाइक मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 विल डिसोसिएट इनटू Mg प्लस एंड SO4 2 माइनस, Mg2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। ऑल विल डिसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन, जब वो एक्वस स्टेट में होंगे तब जाके वो क्या होंगे, वो डिसोसिएट होंगे। ठीक है, मतलब जब हम उसको वाटर में मिक्स करने वाले हैं, जैसे ही हम उसको वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि जो उनके आयंस हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो ब्रेक हो जाएंगे, वो स्प्लिट हो जाएंगे। जो हमारा मॉलिक्यूल है इट विल स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, मतलब जिन आयंस से वो मिलके बना हुआ है उन आयंस में वो क्या होगा, उन रेडिकल्स में, उन आयंस में वो स्प्लिट अप हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट बोलते हैं इनटू आयंस। तो अभी हमने पढ़ा डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस, उसी से कुछ रिलेटेड यहाँ पे है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल वैसा ही कुछ होने वाला है यहाँ पे, जरा से एक बार देखिए। तो अगर हम किसी भी सॉल्ट का बात करें तो जो सॉल्ट है उसका जो मेटल होता है, ठीक है, मान लीजिए कि Ba एक सॉल्ट है, ठीक है, तो Ba एक सॉल्ट है तो दिस विल बी द मेटलिक पार्ट, है ना, ये मेटल होगा एंड दिस विल बी द नॉन मेटलिक पार्ट, है ना, या इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये कैटायन होगा, है ना, और ये क्या होगा, ये एनायन होगा। ठीक है, जो दोनों कंबाइन करके यहां पे सॉल्ट बनाए। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये जो कैटायन है, कैटायन ऑलवेज कम्स फ्रॉम द बेस, बेस से हमको कैटायन मिलता है। किसी भी सॉल्ट में जो कैटायन वाला पार्ट होता है वो कहां से आया होता है, बेस से आया होता है, और जो एनायन वाला पार्ट है वो कहां से आता है, एसिड से आता है। किससे मिलता है हमको एनायन वाला पार्ट, एसिड से मिलता है। तो अगर ये डिसोसिएट होगा, मतलब मान लीजिए बी ए है एक सॉल्ट, अगर ये वाटर में हम इसको डिजॉल्व करेंगे तो दिस विल डिसोसिएट इनटू बी प्लस एंड ए माइनस, है ना, एक्वस स्टेट में ये क्या होंगे, ये डिसोसिएट हो जाएंगे बी प्लस ए माइनस। तो सिर्फ क्या सॉल्ट डिसोसिएट होता है, नहीं, और कौन डिसोसिएट हो रहा है साथ में, वाटर भी डिसोसिएट हो जाता है। वाटर डिसोसिएट, वाटर विल डिसोसिएट इनटू एच प्लस एंड ओ एच माइनस। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वाटर जो है वो भी डिसोसिएट हो जा रहा है एच प्लस एंड ओ एच माइनस में, विच मीन्स अब देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव रेडिकल, ये पॉजिटिव रेडिकल, ये पॉजिटिव रेडिकल, ये नेगेटिव रेडिकल, क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। अब क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि आपका जो B प्लस है इट विल कंबाइन विथ ओ एच माइनस एंड वी विल गेट बी ओ एच। इसको क्या बोलते हैं, वी विल कॉल इट कैटायन हाइड्रोलिसिस। और अगर हम इसका बात करें तो A माइनस क्या होगा, A माइनस विल कंबाइन विथ H प्लस एंड वी विल गेट एच ए, राइट।
और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनायन हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, है ना। यहां पे कैटायन का हाइड्रोलिसिस हुआ, तो कैटायन हाइड्रोलिसिस, एनायन का हाइड्रोलिसिस हुआ, एनायन हाइड्रोलिसिस। तो ये तो हो गया, हमने एक क्या कहते हैं जनरल फॉर्म, जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। अगर हम एक एग्जांपल लेके समझे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं NaCl का ही, है ना, कॉमन सॉल्ट, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम इसको डिसोसिएट करें, अभी हमने देखा इसका डिसोसिएशन, देन इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू Na+ इन एक्वस स्टेट एंड Cl- इन एक्वस स्टेट। ठीक है, पानी में मिला रहे हैं तो डिसोसिएट हो रहा है, ऐसे रखे रखे डिसोसिएट नहीं होगा। NaCl जो है, जब हम इसको वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो इट डिसोसिएटेड इनटू Na+ एंड Cl-, साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल है इट इज आल्सो डिसोसिएटेड इनटू H+ एंड OH-। तो अब इस तरह से अगर डिसोसिएशन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का तो क्या होने वाला है, देखें यहां पे जो Na है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स OH and this H will be attracted towards Cl, and what will form, we can say NaCl when react with water it will form Na+ OH, yani NaOH and HCl। मतलब कि आप इस रिएक्शन से ये बता सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इसी को कहते हैं, इससे आप ये बता सकते हैं कि वो सॉल्ट किस कॉन्स्टिट्यूएंट से बना हुआ है, मतलब वो किस एसिड और किस बेस से बना हुआ है, वी कैन फाइंड इट आउट थ्रू दिस। ठीक है, तो अब अगर हम इसको यहाँ पे बात करें तो हेयर इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वी हैव अ न्यूट्रल सॉल्ट, राइट। कौन सा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि क्योंकि हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बात कर रहे हैं। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, तो जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो जीतता है, वो उसी के नेचर का सॉल्ट बनता है। पर अगर दोनों सॉल्ट हैं, दोनों स्ट्रांग है, एसिड भी स्ट्रांग, बेस भी स्ट्रांग, तो नो वन विल विन, तो हमको कैसा सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। वैसे ही अगर हम किसी और का देखें, मान लीजिए कि आपका कोई दूसरा कंपाउंड हम लेते हैं, जैसे NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, किसका, अमोनियम क्लोराइड का, वी आर हाइड्रोलाइजिंग अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, NH4+ Cl- में ब्रेक हो जाएगा, वैसे ही वाटर किस में, H+ और OH- में ब्रेक होगा, ब्रेक होगा कि नहीं, ब्रेक होगा, तो हमको क्या मिलेगा, अब ये प्लस वाला जो है नेगेटिव यानी OH- के पास चले जाएगा, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास आ जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, NH4OH+HCl, विच मीन्स कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में जब हमने रिएक्ट किया था तो फॉर्म किया हुआ था। ठीक है, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, इट इज अ वीक बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है एसिड विल विन द वॉर, है ना, एसिड वॉर विल जीत जाएगा, यानी कैसा सॉल्ट मिलेगा हमको, एसिडिक सॉल्ट हमको मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि ये कौन सा सॉल्ट है, ये किस टाइप का सॉल्ट है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। कैसे बताएंगे हम उसके जिन बेस से और जिस एसिड से बना है उसका निकाल लेंगे पहले बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करके हम बता देंगे कि ये इस एसिड और इस बेस से बना है। अगर इस एसिड इस बेस से बना है, दोनों में से जो स्ट्रांग होगा वो वॉर जीत जाएगा, उसी के नेचर का सॉल्ट बन जाएगा। अगर दोनों स्ट्रांग है तो कोई नहीं जीतेगा, न्यूट्रल नेचर का सॉल्ट मिलेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए पोटेशियम कार्बोनेट हम लेने वाले, तो फर्दर ये ब्रेक होगा, पोटेशियम कार्बोनेट को अगर हम करेंगे तो K+ और CO3- में 2- में ब्रेक होगा। ठीक है, दो पोटेशियम है, तो अब देखिए क्या होगा, और वाटर के साथ अगर हम इसको करवाएंगे रिएक्शन तो वही H+ OH-, तो पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द नेगेटिव पार्ट, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वी विल गेट K
KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमको, और साथ में क्या मिलेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब देखिए यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज अ वीक एसिड, एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है वो जीतने वाला है, यानी कि ये कौन सा सॉल्ट है, इट इज अ बेसिक सॉल्ट, ये बेसिक सॉल्ट है। तो ये तो हमने पढ़ा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के बारे में। अच्छा, हमने ये तो पता लगा लिया कि एसिड न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है। क्या कोई एक्सपेरिमेंट है जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड इट आउट। लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में हम लोग तीन बीकर्स ले रहे हैं, ठीक है, तीन बीकर ले रहे हैं, तीनों में हमने पानी डाल दिया, ठीक है। टेस्ट कर लीजिए वाटर है कि नहीं। कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग, यूनिवर्सल इंडिकेटर को उसमें डिप करके देखेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर जब हम उसमें डिप करेंगे और देखेंगे, अरे इसका कलर तो ग्रीन आया, ग्रीन आया मतलब ये जो तीनों है ये क्या है, ये न्यूट्रल नेचर के हैं, ठीक है, मतलब ये वाटर है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर कब देता है, जब न्यूट्रल नेचर का सब्सटेंस होता है, वाटर होता है, हमने ये पढ़ा है पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे देखें, तो भी आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये न्यूट्रल नेचर का है, वाटर है, ठीक है, इसमें हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर डिप किया तो ये तो ग्रीन था। अब हम लोग एक एक करके तीनों बीकर में क्या डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे। जो तीनों सॉल्ट अभी हमने यहाँ देखा उन्हीं को डाल के देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड जब हम इसमें पुट करेंगे, हम सोडियम क्लोराइड डाल दिए, किसमें डाल दिए, वाटर में डाल दिए, स्टायर किए, स्टायर किए, पूरा मिक्स हो गया। इसके बाद फिर से हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें डिप किया, यूनिवर्सल इंडिकेटर डिप किया तो फिर देखते हैं, अरे तो ग्रीन कलर का ही रह गया, ग्रीन कलर का रह गया, मतलब वो अभी भी न्यूट्रल नेचर का है ना, यानी कि सोडियम क्लोराइड इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। यही ना अभी मैंने बात की कि जब वी हैव स्ट्रॉन्ग बेस, जब हमने सोडियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस किया तो वी हैव फाउंड कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, तो दोनों स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग है तो न्यूट्रल नेचर का होगा। ये तो थ्योरेटिकल हमने बताया, यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया कि NaCl तो न्यूट्रल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, NH4Cl को डिप कर रहे हैं, किसमें, मिक्स कर रहे हैं, वाटर में डाल दिया NH4Cl, मिक्स किया अच्छे से, मिक्स करने पे पता लगा कि पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया। जब वो डिजॉल्व हो गया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जब वो डिजॉल्व हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप करेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर डिप किए तो जब निकाले बाहर कि तो येलो इस कलर का, तो हमको कैसा मिला यूनिवर्सल इंडिकेटर, इस केस में तो ग्रीन ही रह गया, पर इस केस में वो क्या हो गया, येलो कलर में चेंज हो गया, येलो कलर यानी कि इसका पीएच जो है वो 7 से कम है, बिटवीन 5 to 6 पीएच लाई कर रहा है ना, हमने ये पढ़ा है पिछली वीडियो में। येलो कलर का मतलब है कि वो एसिडिक नेचर का है ना, पीएच अगर 7 से कम है तो एसिडिक नेचर का है, येलो कलर वही शो करता है। इसका मतलब जो हम यहाँ पे थ्योरी में पढ़ रहे थे कि अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर का है, ये तो एक्सपेरिमेंट करके भी एसिडिक ही निकला। अब लास्ट वन, ठीक है, फिर से हम वाटर में क्या डालने वाले हैं, एक सॉल्ट डालने वाले हैं जो कि है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट को हम डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट को हम इसमें डाल रहे हैं, डाला उसको स्टायर किया अच्छे से, स्टायर किया, मिक्स हो गया, डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिजॉल्व होने के बाद फिर से यूनिवर्सल इंडिकेटर डिप करेंगे, और जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर वहां डिप कीजिएगा और उसको देखिएगा तो वहां पे आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। कैसा कलर देखने को मिलेगा, ब्लू कलर देखने को मिलेगा, हल्का हल्का डार्क ब्लू। ब्लू कलर कब से होता है, जब हम 7 से आगे बढ़ते हैं पीएच स्केल में, है ना, हमने पढ़ा था ग्रीन जो है 7 का ग्रीन है, उसके बाद स्काई ब्लू, फिर डार्क ब्लू, फिर पर्पल आता है, फिर डार्क पर्पल, ऐसे करके जो है पीएच स्केल पे कलर चेंज होते हैं। यानी कि 7 के बाद स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, यानी कि आप कह सकते हैं कि 8-9 जो है यहाँ पे आपको पीएच देखने को मिल रहा है, किसका, पोटेशियम कार्बोनेट का 8-9 पीएच, 8-9 पीएच किसका है, 8-9 पीएच बेस का है। मतलब कि पोटेशियम कार्बोनेट के बारे में जो हम बोल रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो ये बेसिक नेचर का है, एक्सपेरिमेंट से भी वही प्रूफ हुआ। तो यहाँ पे हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से आपको बेस और एसिड मिलते हैं,
बेस और एसिड मिलने पे जो स्ट्रांग होता है उसका नेचर जो है वहां पे सो होता है। अगर एसिड स्ट्रांग है तो एसिडिक नेचर सो होगा, बेस स्ट्रांग है तो बेसिक नेचर सो होगा, दोनों स्ट्रांग है तो वी विल हैव अ न्यूट्रल नेचर। ठीक है, न्यूट्रल नेचर वहां पे सो होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था, नाइट्रिक एसिड का अदर नेम बताना था आपको, कोई दूसरा नाम बताना था नाइट्रिक एसिड का। तो एक नहीं, दो नाम है हमारे पास नाइट्रिक एसिड के, नाइट्रिक एसिड के अलावा दो और नाम है उसके। एक है एक्वा फोर्टिस, फर्स्ट नेम इज एक्वा फोर्टिस, ये ग्रीक नेम है, और द सेकेंड नेम इज स्पिरिट ऑफ नीटर। क्या बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ नीटर। ये दोनों जो है नाइट्रिक एसिड के ही नाम है। अगर आप कहीं पे ये देखते हैं लिखा हुआ एक्वा फोर्टिस या स्पिरिट ऑफ नीटर, तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रिक एसिड का वहां पे बात हो रहा है। तो आई होप कि जो टॉपिक आपको मैंने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।